पुलिस लोग की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आज देख सकते हैं। देश के अंदर निरंतर 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। निरंतर हम कानून के दायरे में रहते हुए आवाज उठाते रहे, आग्रह करते रहे। ये सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल जी बार बार इस सरकार को जगाने का काम करते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके विपरीत दबाने के लिए उल्टे सीधे कानून का सहारा लिया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, लोगों की आवाज उठाने के लिए, उस दर्द को उठाने के लिए आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी दिल्ली में हर पेट्रोल पंप पे इस सरकार को जगाने का काम कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग उपराज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए थे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को बीच रास्ते से पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, थाने ले जाया जा रहा है, बहुत शर्मनाक। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, नरेंद्र नाथ जी और मेरे अन्य साथियों को रास्ते में ही रोक रोक के थाने ले जाया गया। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जय किशन जी और दूसरे कार्यकर्ता AICC सेक्रेटरी, इनको भी अब थाने ले जाया जा रहा है। ये कैसा तंत्र है, ये कैसा प्रजातंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये सवाल आज इस सरकार से पूछना चाहिए। आज तमाम लोग कह रहे हैं क्या लोगों की आवाज को दबाने में काम किया जाए, वापस करो। 20 दिन से निरंतर रेट बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल के रेट सस्ते हैं, उसके बावजूद उपभोक्ताओं से मुनाफाखोरी ये सरकारें कर रही हैं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये मुनाफा